हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एप्सन का कोई प्रिंटर है, हो सकता हो 3110 हो, 3150 हो, या 3210 हो, 3250 हो, या किसी भी सीरीज का कोई भी प्रिंटर है, आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसमें मैं बताने वाला हूं कि आप अपने प्रिंटर को विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, उसके अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका जो ओरिजिनल ड्राइवर है वो आपको कैसे मिलेगा, ये मैं बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख और आपका फिर से स्वागत है आईटी कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर आप अपने प्रिंटर का फुल्ली लोडेड ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके अंदर सारे जो स्कैनिंग है और जो कंप्यूटर से प्रिंट करने वाला ड्राइवर है, स्कैनर है और अदर और भी जो उसके सपोर्ट ड्राइवर होते हैं, वो सभी कैसे आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, या 10 हो, या 11 हो। वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके प्रिंटर में रेड लाइट जल रही है और कंप्यूटर में जब आप प्रिंट दे रहे हैं प्रिंट नहीं आ रहा है और स्टेटस दिखा रहा है सर्विस रिक्वायर्ड का, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना ज़्यादा डिले करे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास ये लैपटॉप है जिसके अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल है और यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंटर है जिसके जो सीरीज़ है एल एप्सन एल 3250। इसके अंदर हमने क्या करा है, जो यूएसबी केबल है वो लगा दिया है और प्रिंटर ऑन कर दिया है। अब इसमें हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो इस लैपटॉप के अंदर ड्राइवर सीडी नहीं है, तो यहाँ से हम जो है सीडी का अलग से हमने पोर्टेबल सीडी ड्राइव लगा दिया है और उसमें ये डीवीडी लगाने वाले हैं। इसके अंदर इसका ड्राइवर है। अगर आपका भी जो प्रिंटर है वो 3210 है या 3250 है तो आप ये वाला ड्राइवर उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके भी प्रिंटर में आपके भी पास 3250 वाला प्रिंटर है और आपको भी ड्राइवर ओरिजिनल वाला चाहिए जो सीडी में आता है, तो आप ये वाला ड्राइवर डाल सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे आप फुली वाला जो ओरिजिनल ड्राइवर आता है सीडी वाला वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका मॉडल डिफरेंट है प्रिंटर का तो मैं आपको एक लिंक और दे दूंगा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी उस प्रिंटर का मॉडल नेम आप डाल के उस प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करा है, सीडी को निकाल के अपने डीवीडी ड्राइव में लगा दिया है और अब यह लैपटॉप में मुझे शो करेगा और मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर में मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी तक आप जो देख रहे थे वो कैमरे वाली रिकॉर्डिंग थी, अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिसमें आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमने जो है डीवीडी ड्राइव लगा दिया है सीडी में। अब हमें यहाँ पे माय कंप्यूटर पे जाना होगा और वहाँ पे जाके हम देखेंगे तो हमारा जो डीवीडी ड्राइव है वो वहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं डीवीडी आरडब्ल्यू ड्राइव एप्सन लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा डीवीडी ड्राइव है और इसमें सीडी लगी हुई है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके भी चला सकते हैं और राइट क्लिक जैसे हम करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन ऊपर ही हमें दिख जाएगा। इंस्टॉल रन एंड प्रोग्राम भी कर सकते हैं और आप ओपन करके भी करना चाहें तो ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इंस्टॉल एंड रन प्रोग्राम पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ ही देर में एक पॉपअप आएगा जिसको हमें अलाउ कराना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये एप्सन की तरफ से पॉपअप आ गया है और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम जब प्रिंटर ड्राइव इंस्टॉल नहीं करते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल ही करते हैं, तो हमें प्रॉपर जो फीचर है वो नहीं मिलते। आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। ये मेरा विंडोज अपडेटेड है क्योंकि इंटरनेट चलता रहता है तो ऑटोमेटिकली जो ऑटो ड्राइवर है वो ले लेता है ऑटो अपडेट के माध्यम से। तो ये जो ड्राइवर है फुल्ली अपडेट वाला ड्राइवर नहीं है, जिसमें मेंटेनेंस का ऑप्शन आता है और जो स्कैनर के ऑप्शन है वो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पर यस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है उस टाइम उसको प्रिंटर को चेक करता है, तो आपका जो प्रिंटर है वो यूएसबी केबल के माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए और ऑन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करने की कह रहा है, तो ये जो हमारा इंटरनेट का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा और नेक्स्ट कर देना है। आपको ये कह रहा है इस टाइम आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए और
आपको यहाँ पे ये चीज़ चेक करके आपको यहाँ पे चेक लगाना होगा, आई हैव फिनिश्ड फिलिंग इन टू द इंक टैंक। ये कह रहा है आपका जो प्रिंटर है उसके अंदर इंक आपने डाल दी है, इंक फिल करके, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। अगर आपने इंक डाल दी है तो अच्छी बात है, ये नेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रिंटर नया है, फर्स्ट टाइम इंक भी नहीं डाली है, तो इंक पहले डाल दें उसके बाद आप नेक्स्ट करें। तो यहाँ मैंने इंक डाल दी है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और ये जो हमारा ड्राइवर है ये इंस्टॉल होने लग गया है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ थोड़ा वेट करना होगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपका वो ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको अपना प्रिंटर वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करना है या यूएसबी केबल के माध्यम से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम कर रहे हैं वो यूएसबी केबल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपको वाईफाई वाला चाहिए इंस्टॉलेशन सेटअप, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक वीडियो वाईफाई वाले पे भी ला दूंगा कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूएसबी वाले से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कनेक्ट वी आई यूएसबी केबल, क्योंकि हमने यूएसबी केबल लगा रखी है। तो नेक्स्ट कर देना है, सेलेक्ट करना है कनेक्ट वी आई यूएसबी केबल एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोल रहा है आपका जो यूएसबी केबल आपके कंप्यूटर से अटैच होना चाहिए, और हमने यस कर दिया है। तो अभी कनेक्शन चेक कर रहा है हमारे बिटवीन कंप्यूटर के, लैपटॉप के और प्रिंटर के बीच में। अगर यूएसबी केबल लगा होगा तो ये चेकिंग द सिस्टम एनवायरनमेंट ये चेक कर रहा है। अगर जैसे ही इसको कनेक्शन मिलता है ये डिलीट कर लेगा। अब यहाँ पे देखो इतने सॉफ्टवेयर ये हमें नहीं मिले थे उसमें, लेकिन अब मिलेंगे, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं कंप्यूटर में। अब इसके अंदर हमें प्रिंटर का भी मिल जाएगा, स्कैनिंग का भी मिल जाएगा, और जो यूज़फुल इसके जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट होते हैं वो सभी हमें इसमें यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, क्योंकि हमारे जो और भी अदर ड्राइवर हैं वो सारे हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपना प्रिंटर बंद नहीं करना है, एक बार और ये चेक कर रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रेमवेयर वगैरह अपडेट वगैरह आया होगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट है ये, किसी भी तरीके का हमारा जो है इसमें अपडेट नहीं आया हुआ है, ये चेक करने के बाद ऑटोमेटिक फिनिश का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमने देख लिया, अब इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंडिया से हैं, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर्ड हो गया है, और फिनिश कर देना है। ये फिनिश कर दिया है हमने, इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे हम जो है हमारे प्रिंटर पे प्रिंट देके देखेंगे कि भैया प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है। सबसे पहले मैं आपको एक वो ऑप्शन दिखाऊंगा जो पहले ड्राइवर इंस्टॉल नहीं था, तब वो नहीं आ रहा था, अब आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ड्राइवर फुल्ली तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। प्रिंटर हमें दिखा रहा है एप्सन 3250 प्रिंटर सीरीज़, वहाँ पे हमें जाना है और राइट क्लिक करना होगा। जैसे राइट क्लिक करते हैं प्रिंटर प्रेफरेंसेस पे जाना होगा, और वहाँ पे देखिए मेंटेनेंस का ऑप्शन पहले शो नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। अब यहाँ पे स्टेटस देखिए, हमारा रेडी शो हो रहा है प्रिंटर यहाँ पे। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपके पास ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें जो हेड क्लीनिंग नोजल क्लीनिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मेंटेनेंस का ऑप्शन हमें चाहिए। तो ड्राइवर इस तरीके से आप डाउनलोड करें, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट देके टेस्ट प्रिंट देंगे। यहाँ पे देखते हैं टेस्ट प्रिंट हमारा फुल्ली तरीके से आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, टेस्ट प्रिंट देने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे टेस्ट प्रिंट देने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे आए, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे प्रिंट टेस्ट पेज, उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा टेस्ट पेज भी बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे टेस्ट प्रिंट दिया और यहाँ पे पेज हमारा लगा हुआ है, प्रिंटर हमारा ऑन है, यहाँ पे जैसे हम टेस्ट प्रिंट दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे प्रिंट आना स्टार्ट हो गया है। पेपर हमारे प्रिंटर ने ले लिया है, और कुछ ही सेकेंड्स में हमारा जो प्रिंट है वो बाहर आ गया है। और ये देखिए प्रिंट कितना क्लियरली आया है, एकदम क्लियरली बेहतरीन प्रिंट आया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अपना प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। फुल्ली तरीके का जो ड्राइवर है मैंने इंस्टॉल करना बताया है। कई लोग बाग छोटा एक प्रिंट ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन बाद में परेशान होते हैं, उनको अदर जो है सपोर्ट नहीं मिलते, क्योंकि वो पूरा ड्राइवर नहीं डाउनलोड करते।
तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे आपको भी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, और किसी भी प्रकार के प्रिंटर से संबंधित आपको परेशानी आती है या कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके पार्ट भी हम सप्लाई करा देते हैं वाया कोरियर के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।